हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं वीजस वंडर लाइफ का एक और नया ब्लॉग। और दिवाली आने वाली है और क्वार्टर का हालत देखिए, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ भाई, मजबूरी है। पहले तो मुझे ये सब जो एक्स्ट्रा सामान है क्वार्टर में, ये सब बाहर करना है। और ये मैं तब तक नहीं कर पा रही हूँ जब तक कि क्वार्टर का इंचार्ज जिनके पास है वो आके एक बार क्वार्टर देख नहीं लेते हैं। और जो भी हमारे चार्ज में है, लाइक फर्नीचर हो गया, जो भी आइटम्स हो गए जो ऑलरेडी क्वार्टर में रहते हैं, वो सब ठीक ठाक हालत में है कि नहीं, वो जब तक वो भले भैया आके कंफर्म नहीं करते हैं, हम लोग तो कलर भी नहीं करवा पा रहे हैं। मतलब अभी तक क्वार्टर में ऐसा हो गया है कि हम एक कील तक नहीं लगा पाए हैं। क्या घर से निकालने वाला सामान है, ये एक्स्ट्रा है। यहाँ पर दो चारपाई है जो कि पूरी तरह से डैमेज है, इसको जैसे तैसे पापा बांध कर गए हैं ताकि ये गिर ना जाए किसी के ऊपर, लेकिन इन सबको बाहर करना है। क्वार्टर में काफ़ी सारे फर्नीचर ऐसे हैं जिनका ज़रूरत है नहीं और डैमेज है, उनको बाहर करना है। मुझे लग रहा है इस बार का दिवाली वैसा नहीं जाएगा जैसे पिछले कुछ सालों में गया था, क्योंकि नए नए शिफ्ट हुए हैं और शिफ्ट होने की यही मजबूरी होती है फ्रेंड्स, की पैकिंग करने में एक अलग टेंशन होता है और फिर सामान अनपैक करके घर में सेट करना वो और एक बड़ा इशू होता है। तो किचन का भी ना बहुत ही नॉर्मल सा, मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही नॉर्मल, मतलब बेकार, नॉर्मल नहीं बेकार बोल सकते, बेकार से सेटिंग है, कुछ भी नहीं किया है इसमें। पेपर वगैरह लगाने थे, कुछ नहीं लगा पाई। मैंने स्टिकर कार्ड में ऐड करके रखा था कि स्टिकर यहाँ पर लगाऊंगी, लेकिन वो भी नहीं लगा पाई, क्योंकि एक बार वो क्वार्टर देखकर जाएंगे तो उसके बाद मैं सब कुछ कर पाऊंगी। तो ऐसे जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं बस उतना ही निकाला है ताकि बाद में इसको कलर करने के टाइम मुझे परेशानी ना हो। ऐसी दिवाली मतलब कभी नहीं गई इस बार जाने वाली है। फौजी वाइफ को तो इतना सब कुछ मतलब झेलना ही पड़ता है, इट्स ओके, हो जाता है। और एक बार जब पूरा प्रॉपर तरीके से सेट हो जाएगा ना, तब मैं क्वार्टर का प्रॉपर टूर दूंगी। बहुत जनों की रिक्वेस्ट थी, हाँ क्वार्टर ठीक है, जम्मू वाले क्वार्टर से बहुत अच्छे हालत में है, तो यहाँ का क्वार्टर टूर ज़रूर मिलेगा, लेकिन पहले मैं सेट हो जाऊँ अच्छे से, क्योंकि आपको पता है दो दिन मैं बस इस क्वार्टर में रही, फिर हम छुट्टी चले गए। अभी एकदम दिवाली में ही आकर हम लोग मतलब आए, दिवाली का शॉपिंग वगैरह किया, और अभी थोड़ी बोड़ी सी साफ़ सफाई करनी है क्वार्टर। बस आज इस बार की दिवाली फ्रेंड्स ऐसी ही जाएगी, कुछ कर नहीं सकते। आपसे मैं भी शेयर करती हूँ दिवाली के लिए क्या क्या शॉपिंग किया है। वैसे तो ज़्यादा कुछ मिला नहीं मेरे को, लेकिन जो भी मार्केट यहाँ आसपास थे ना, वहाँ से मैंने ये फ्लावर लिए हैं। अभी इसको कहाँ लगाऊँगी डिसाइड तो किया नहीं है मैंने, और वैसे भी क्वार्टर का हालत आपने देखा ही है, ज़्यादा कुछ डेकोरेशन मैं कर नहीं पाऊँगी। तो ये फ्लावर लिया है, और हमारा बहुत जिद कर रही थी कि उसको रंगोली बनाना है इस बार, तो उसके लिए मैंने ये लिया है। और ये शुभ लाभ वाला जो रहते ना स्टिकर, ये भी कहाँ लगाऊंगी डिसाइड नहीं किया अभी तक। कैंडल्स, और इसमें ना रंगोली के कलर्स हैं। वैसे तो मैं आलपुना देती हूँ, मुझे रंगोली बनाना भी नहीं आता उतना अच्छे से। और एक ना बहुत प्यारा सा मैंने ये लिया है, तोरण लिया है दरवाजे पर लगाने के लिए। मैंने कभी भी दरवाजे पर ऐसे तोरण लगाया नहीं है, लेकिन इस बार मैंने लिया है तोरण, इस बार मैं दरवाजे पर ये लगाऊंगी। शॉपिंग अभी भी ख़त्म नहीं है फ्रेंड्स, और भी किया है मैंने, ज़्यादा मुझे यहाँ पर ऑप्शन मिले नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था शॉप वगैरह है कहाँ कहाँ। जाने से मुझे दिवाली के जो भी सामान है, डेकोरेटिव आइटम्स कहाँ मिलेंगे, मुझे ये आइडिया तो था नहीं, लेकिन जहाँ से भी मुझे थोड़ा बहुत कुछ अच्छा अच्छा दिखा तो मैंने वहाँ से वो सब चीज़ पिक करी। स्टार लाइट है ना, ये स्टार लाइट लिया है एक बार, बहुत दिनों से मुझे मन था ये लेने का। ऑनलाइन भी मैंने ऐड करके रखा था कार्ड में, लेकिन घर चले गए हम लोग और मैं ले नहीं पाई, तो मार्केट गई थी, मार्केट में मुझे ये दिखा तो मैंने इसको तुरंत ले लिया। पॉट दिखाया था ना उस दिन, लिया था तो पॉट के अंदर कुछ कलरफुल पत्थर डालने के लिए ना ये पत्थर लेकर आई हूँ मैं। और ये वाले आर्टिफिशियल कैंडल लाइट, ये मुझे बहुत प्यारे लगे, देखिए कितने प्यारे हैं, वाओ। ये भी लाई हूँ, ये है मेरा दिवाली का ऑलमोस्ट शॉपिंग ये है। जब हम किसी नए जगह में आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ना ढलने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है। पीने का पानी कलेक्ट करने के लिए ड्रम मैं नीचे रख कर आई हूँ। यहाँ पर पानी खरीद के पीना पड़ता है, जैसे कि मैंने पहले भी ब्लॉग में आपको बताया है। अभी ना मैं छत पे आई हूँ थोड़ा सा साफ़ सफाई करने के लिए,
क्योंकि दिवाली है और हमें जैसे ऊपर वाला क्वार्टर ही मिला है, तो हम लोग का जो भी दिवाली का सेलिब्रेशन होगा वो छत पर ही होगा। और मेरे छत पे बात ये आती है ना कि चारों तरफ से पेड़ है, तो इसमें पत्ते बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं हवा चलते ही, तो मुझे रेगुलर ना यहाँ की साफ़ सफाई करनी पड़ती है। लगे हाथों तो मैंने कपड़े भी डाल दिए, यहाँ सीढ़ियों को भी रेगुलर साफ़ सफाई करनी पड़ती है। एंड मेरी जो नेबर है ना, उनके साथ मेरी ना एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग बैठ चुकी है कि उन वो दो दिन के लिए सीढ़ियों को साफ़ रखेंगी और उसके नेक्स्ट दिन का सीढ़ियों को साफ़ करने का ड्यूटी मेरा। ये नेबर के साथ अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। खैर वो छुट्टी पर गई हैं, अभी मैं अकेली ही हूँ, तो मैंने सीढ़ी पर ना पानी से अच्छे से साफ कर दिया क्योंकि दिवाली है, रंगोली भी लगाई जाएगी और दिए भी जलाए जाएंगे। डाइनिंग टेबल जहाँ पर लगाया है ना, उसके कोने की तरफ एक लॉकर रखा हुआ है, तो उसको ना रैंडमली हम कुछ भी उसके ऊपर रख दे रहे थे, तो आज मैंने सोचा क्यों ना उसको थोड़ा सा डेकोरेट किया जाए क्योंकि दिवाली है। तो एक ना प्लास्टिक का शीट मेरे पास पड़ा हुआ था, ये जम्मू में मैंने खरीदा था, उसी का ही छोटा सा टुकड़ा पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर ना इसको मैं स्टिक कर दूँ। लॉकर बहुत पुराना था, जंग भी लग चुका था काफ़ी जगहों से, तो उसके ऊपर ना मैंने ये जैसे ही कागज लगाया ना, इसका लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा। वेल, स्टिकर लगाने का मन था, स्टिकर तो मैं अभी खरीद नहीं पाई, लेकिन इसी से काम चलाना पड़ेगा। इसके ऊपर ना मैंने अपना म्यूजिक सिस्टम लगाया क्योंकि किचन में काम करते करते मैं गाना सुनना ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो किचन के साइड में लगाना इसको मुझे ज़्यादा बेटर लगा। पिछले ब्लॉग में जो वाटर वाले बैम्बू प्लांट के बारे में मैंने बताया था ना, वेल मैंने इसको सर्च किया तो मुझे पता चला ये लोटस बैम्बू नहीं है, टाइप ऑफ एक लकी बैम्बू ही बोल सकते हैं। इसके ना थोड़ा गोल्डन गोल्डन टाइप की ना धारी है इसके ऊपर, येलोइश टाइप का। खरीदने के बाद से ही ना इसका ना पानी चेंज किया मैंने, ना ही इसको वॉश किया, तो आज जब टाइम मिला ना तो मैंने सबसे पहले ना ये काम कर दिया क्योंकि ये वाला काम ना मुझसे टलता ही जा रहा था। घर का काम करते करते ना खाना बनाना यहाँ भूल ही नहीं हूँ, बहुत ही सिंपल सा खाना ही बना रही हूँ। अभी राइस बन चुका है तो राइस का पानी मैं यहाँ पर निकाल ले रही हूँ, प्लस घर का काम भी धीरे धीरे चलता रहेगा। इस बार ना अपने नीज से ब्लैक गोल्ड, एक अलग टाइप का वेरिएंट होता है स्नेक प्लांट का, वो मैं लेकर आई हूँ क्योंकि आजकल वो पढ़ाई में इतनी ज़्यादा बिजी रहती है, तो उसने मुझे कहा कि मम्मा प्लीज़ इसको लेके जाओ क्योंकि इसका ध्यान मैं नहीं रख पा रही हूँ। आगरा वाले सारे ब्लॉग्स आप लोग को कैसे लग रहे हैं, डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज इट्स टोटली फ्री। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और ब्लॉग कैसा लगा ये लाइक एंड कमेंट करके बताना भी ना भूलें। वैसे अच्छे लग रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें कैसे डालूं, डर लग रहा है कि ये बहुत पतला सा कांच है ना, टूट ना जाए, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है कैसे डालूं। ज़रूर इसका भी कोई ट्रिक होगा लेकिन मुझे अभी पता नहीं चल रहा है, स्पून से ट्राई करती हूँ। वेल, स्पून का इस्तेमाल करके जो भी पत्थर थे ना वो ईजिली इसके बॉटम पे आराम से उतर गए, सो ये वाला ट्रिक तो काम आ गया, लेकिन पानी थोड़ा सा मुझे गंदा लग रहा है तो मैं इसको पानी को फिर से चेंज करूँगी। वेल, कलरफुल पत्थर इस ट्रांसपेरेंट से जार एंड पानी में बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, मैंने सोचा नहीं था ये इतने अच्छे लगेंगे। मैं वैसे तो वाइट कलर का ही ढूंढ रही थी लेकिन कलरफुल पत्थर भी इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। मैंने वैसे तो डिसाइड किया नहीं कि ये वाला पॉट मैं कहाँ रखूँगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इसको डाइनिंग टेबल के ऊपर ही रख रही हूँ क्योंकि डाइनिंग एरिया को ही मैं अभी ठीक ठाक कर रही हूँ। और ये ना जम्मू से मेरे एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया था आने के टाइम, उन्हीं का मैंने जार निकाला है और उसमें ढेर सारे टॉफीज रखे हैं क्योंकि समायरा है और प्लस बच्चे भी आ सकते हैं, दिवाली है। यह थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा मुझे एक एक रूम को डेकोरेट और ऑर्गेनाइज करने में, लेकिन हाँ मैं खुश हूँ कि कम से कम एक रूम तो मेरा प्रिपेयर हो चुका है दिवाली के लिए। बहुत जन बोलने वाले हैं विजया दी ये पॉट अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन ये इतने मजबूत पॉट थे ना, जम्मू से यहाँ तक लाने के लिए इससे बेस्ट पॉट हो नहीं सकता था। लेकिन हाँ मैं इसको बहुत जल्दी चेंज करूँगी अगर मुझे अच्छा सा कोई पॉट का दुकान मिले, या फिर आप लोग आगरा के आसपास रहते हैं कोई सजेशन है कि जहाँ पॉट्स अच्छे वाले मिल जाते होंगे, प्लीज़ डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। वैसे तो पैकिंग करने के टाइम मैंने बहुत अच्छे से इसका लेखा जोखा अपने पास रेडी कर लिया था कि किस बॉक्स में क्या है, लेकिन किसी तरीके से ना ये जो कवर थे ये मुझसे मिस हो गए थे और अचानक से ना मुझे जब मिले तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था। मीशो से आया हुआ ये अब तक का बेस्ट प्रोडक्ट है,
आई कैन से मुझे ये चेयर कवर बहुत ज़्यादा अच्छे लगे और इतने रीजनेबल प्राइस में. मैंने पहले भी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला था. बहुत जन की क्वायरी थी कि दीदी ये कैसा है प्लीज़ बताना, तो उस टाइम मैंने बोला ज़रूर था कि एक दो महीने का वेट कीजिए, मैं खुद इसको यूज़ करके देख लूँ, अगर अच्छा हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये वाले चेयर कवर आप ले सकते हैं. बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं था इसका. दो सेट आए थे, आई थिंक ये 300 के अंदर अंदर दोनों आ गए थे. जानने के लिए कि हमारे नए क्वार्टर में दिवाली कैसे मनी, नेक्स्ट ब्लॉग को देखना ना भूले फ्रेंड्स. आई जस्ट होप आज का ब्लॉग भी आप लोग ने बहुत एंजॉय किया होगा. फिर मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ बहुत ही जल्द. तब तक ले बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.